हेलो गाइस, मैं हूँ पंकज नागर और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे गाइस, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम घर की इलेक्ट्रिसिटी को बिना ऑफ किए वो घर से बाहर निकल जाते हैं या फिर कहीं पे चले जाते हैं। फिर बाद में हमको पता चलता है कि हमने हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ नहीं किया है। इससे क्या होता है गाइस, हमारे घर का बिजली का बिल अधिक आता है। और कई बार बहुत सारे लोग ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, फिर जल्दी जल्दी में घर निकल जाते हैं, फिर ऑफिस की लाइट को ऑफ करना भूल जाते हैं। इससे क्या होता है कि बिजली का बिल अधिक आता है। तो इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसका नाम है मोबाइल कंट्रोल स्टार्टर। यहाँ एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है जिसको हम घर की या फिर ऑफिस का जो मेन स्विच रहता है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि जो घर या ऑफिस की जो इलेक्ट्रिसिटी रहती है उसका पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में, यानी कि हमारे मोबाइल पूरा कंट्रोल हमारे मोबाइल के जरिए होता है। हम इसको मोबाइल से कहीं से भी, वर्ल्ड के किसी कोने से भी, पूरी घर की या ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी को या फिर कहीं पे भी, मतलब जो हमारी यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको हम कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं, केवल हमारे मोबाइल के जरिए ही। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को देखते हैं कैसे काम करता है, किस तरीके से वर्क करता है। तो आइए, हम आपको इस वीडियो में यही दिखाने वाले हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमने कुछ इस प्रकार का सिस्टम तैयार किया है। हमने इसको 3 फेज के लिए तैयार किया था, जो मतलब जो हमारे जो कुएं के जो मोटर पंप रहते हैं वो 3 फेज से चलते हैं, तो हमने इसको उसके लिए तैयार किया था। लेकिन हम इसको सिंगल फेज के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप जो सामने की ओर जो 4 वायर देख रहे हैं ये इनपुट के लिए है, जो आप ये पीछे की ओर जो 3 वायर देख रहे हैं ये आउटपुट के लिए है। अगर हम इसको सिंगल फेज के लिए यूज करते हैं तो जो आप ये फर्स्ट वाला वायर देख रहे हैं इसको हमको अर्थ के साथ कनेक्ट करना होगा, जो आप सेकेंड वाला वायर देख रहे हैं इसको हमको फेज के साथ, यानी कि जो जो हमारा जो करंट रहता है उसके साथ कनेक्ट करना होगा। तो अगर हम इसको सिंगल फेज के लिए यूज करते हैं तो हमने पीछे की साइड भी जो ये फर्स्ट वाला वायर है इसको हमको जो हमारे जो जो भी हमारे उपकरण है उसके साथ कनेक्ट कर देना है। तो गाइस, अब हम इस सिस्टम को इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट करेंगे, फिर देखते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रिक उपकरण है वो मोबाइल के जरिए ऑन ऑफ होते हैं या नहीं। तो चलिए, अब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं कि हमने हमारे पूरे सिस्टम को सेट कर लिया है। हमने इसमें एक बल्ब कनेक्ट किया हुआ है और दूसरा आप देख सकते हैं हमने फैन कनेक्ट किया हुआ। तो ठीक है, अब हम इस सिस्टम पर कॉल करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा सिस्टम ठीक ठीक तरीके से वर्क कर पाता है या नहीं। तो चलिए, अब हम इस पर कॉल करते हैं। हम इस सिस्टम पर जैसे कॉल करते हैं इसमें कॉल ऑटोमेटिक रिसीव हो जाता है। और जैसे ही रिसीव होता है, हम इसमें मान लो हमको यह बल्ब चलाना है, तो हम जैसे ही 0 को प्रेस करेंगे ये बल्ब ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये बल्ब ऑन हो गया। और फिर अगर हमको फैन भी चलाना साथ में, तो हम जैसे स्टार को प्रेस करेंगे ये फैन और बल्ब दोनों ऑन हो जाएंगे। आप देख सकते हैं दोनों ऑन हो गए। अगर हम इन दोनों को बंद करना होता है तो हम 4 को प्रेस करेंगे और ये बंद हो गया। अब देख सकते हैं, मतलब हम इसमें टोटल 4 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब 4 डिवाइस को अलग अलग प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमको केवल फैन चलाना है और बल्ब नहीं चलाना है, तो हम केवल फैन को भी चला सकते हैं। आप देख सकते हैं ये फैन ऑन हो गया। और नहीं, हमको तो फैन नहीं चलाना है, फैन को बंद करना है, केवल बल्ब चलाना है, तो हम इसकी जगह बल्ब भी चला सकते हैं। ये 4 से हम इसको फैन को ऑफ कर देंगे और फिर हम जैसे ही 0 को प्रेस करेंगे ये हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं। और हमको दोनों को बंद करना है तो हम 4 को प्रेस करेंगे, ये दोनों बंद हो गए। इसी तरीके से हम इसमें टोटल 4 डिवाइस लगा सकते हैं और चारों डिवाइस को अलग अलग प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हमको एक डिवाइस चलाना है, जैसे कि हमको फैन चलाना है तो हम फैन चला सकते हैं, और अगर हमको बल्ब चलाना है तो हम बल्ब चला सकते हैं। इसी तरह हम 4 डिवाइस को इसमें अलग अलग प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। जैसे मैं 0 को प्रेस करूंगा ये हमारा जो बल्ब है इस ये ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं बल्ब ऑन हो गया। और फिर अगर हमको बल्ब बंद करना है, फैन ऑन करना है, तो मैं 4 को प्रेस कर दूंगा बल्ब ऑफ हो जाएगा, और जैसे ही 1 को प्रेस करूंगा ये हमारा फैन ऑन हो जाता है। आप देख सकते हैं। और अगर दोनों को वापस, जैसे कि बल्ब को भी ऑन करना है और फैन को भी ऑन करना है, तो मैं स्टार को प्रेस कर दूंगा ये दोनों ऑन हो गए। आप देख सकते हैं। और अब मैं दोनों को बंद कर देता हूँ, ये मैंने दोनों को बंद कर दिया। और इसकी जो रेंज है वो अनलिमिटेड है, मतलब केवल हमारे मोबाइल के नेटवर्क आने चाहिए। हम वर्ल्ड के किसी भी कोने से, मतलब भले पूरी दुनिया में हम कहीं पे भी बैठे हुए हैं, वहीं से हमारे मोबाइल के जरिए ही हम अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी को कहीं से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो जैसे कि गाइस आपने देखा कि हमने मोबाइल के जरिए ही जो हमारे जो इलेक्ट्रिक उपकरण थे, जो फैन और बल्ब था, उसको मोबाइल के जरिए ही ऑन ऑफ किया। तो गाइस, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। तो हमने इसमें DTMF टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, मतलब कि डुअल मल्टीपल टोन फ्रिक्वेंसी, इसका हमने इसमें इस्तेमाल किया है। जैसे कि गाइस आप सभी को पता होगा कि हमारे पास बहुत बार कंपनी का कॉल आता है,
तो बोलते हैं कि इस स्टोन को अपनी डाइल्यूटर में बनाने के लिए एक दवा है, तो हम जैसे एक दवा दें तो कंपनी वालों को पता चल जाता है कि हमने एक दवा है। उसी प्रकार से हमने इसमें डीटीएम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जो आप देख रहे हैं ये DTMF IC है। जैसे हम मोबाइल में वन प्रेस करते हैं, जैसे मोबाइल में कुछ भी प्रेस करते हैं तो इसमें सिग्नल जाता है, जो आप देख रहे हैं DTMF डिकोडर है, इसमें सिग्नल जाता है और इसके जरिए ये सिग्नल भेजता है, जो हमारे आप ये देख रहे हैं ये रिले मॉडल है, ये इसमें सिग्नल भेजता है। तो जैसे ही हम मोबाइल में कुछ भी प्रेस करते हैं तो फर्स्ट जो हमारा सिग्नल है वो DTMF डिकोडर पे जाता है और वो सिग्नल ट्रांसफर करता है जो हमारे रिले मॉडल है उसमें, और उसके जरिए फिर हमको आउटपुट मिलता है। तो गाइस हमने जो हमारा जो स्टार्टर है उसको सिंगल फेज के लिए यूज किया था, लेकिन इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसको थ्री फेज के लिए यूज करके दिखाएंगे, जो हमारे जो कुएं का जो मोटर पंप है उसको हम आपको ऑन ऑफ करके दिखाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।